gentlemen, are you ready? ओ इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा जाएगा। इनाम ज्यादा रखे गए हैं बच्चों को, इनके लिए काफी मरात हैं और काफी इनाम, गिफ्ट, फन गाला सब हो गया। फैमिलीज। जैसे आपने कहा कि मेहनत करते हैं बस अल्लाह ताला उसका अच्छा फल देता है, आपकी सरबराई में माशाल्लाह से हमारे साथ मदनी भवानी साहब हैं, मुजम्मिल इकबाल साहब हैं, अब्दुल अहद है, हम लोग अलहमदुल्ला कोशिश करते हैं आपकी सरबराई के अंदर अल्लाह की तरफ से जो होता है अच्छा हो जाता है। ये माशाल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी है KWGA, ख़ासतौर पर रौफ इब्राहिम साहब की, इनकी क़यादत में पहला हमारा बहुत ही पुरजोर, इसके कुछ अल्फाज ही पेश नहीं कर सकते जितना हमारा कामयाब जो है वो हमारा टूर्नामेंट रहा। आप लोगों के दम से ये रौनक है और हम लोग चाहेंगे कि आप लोगों का साया सबसे पहले तो ये कि सबसे पहले मेन है कि आप लोगों का साया हमारे सर पर हमेशा बना रहा है। हम लोग को बहुत खुशी होती है कि हमारे बड़े हमारे साथ देते हैं और सर आप लोगों की दुआओं से इंशाल्लाह पिछला इवेंट भी सक्सेसफुल था और ये इवेंट इंशाल्लाह इससे बड़ा सक्सेसफुल इवेंट होगा इंशाल्लाह। नहीं माशाल्लाह ये इवेंट तो यार ये सबको एक समझे एक दूसरे को मिलाने के लिए, अपनी मार्केट में एक दूसरे का ताल्लुक जोड़ने के लिए बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज हो रहा है और बहुत अच्छा एकदम इस्तेमाल हो रहा है, ये बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है। देखें ये मेमन टीवी जी है काविश हैं और उसने हमेशा साथ दिया है, यानी मेरे स्टार्ट से इलेक्शन से और जितने इवेंट मेमन टीवी ने किए हैं मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ इस टीम को, और हमारा KWGA का टूर्नामेंट भी सारा कवर किया है और बाकी टूर्नामेंट भी कवर किए हैं, तो मैं अली गोडल और उसकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। लीग से सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हम एक दूसरे को जानना शुरू हो गए, फैमिली माहौल बना और लोग माशाल्लाह बड़ा पार्टिसिपेट करते हैं और ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है जिससे लोग एक दूसरे को जानना शुरू हो गए। और ये सीज़न 2 है और इसमें भी पहले की नस्बत हम समझ रहे हैं कि ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे और ये एक बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है। ये अंकल आपकी मोहब्बत है और आपकी वजह से रौनक है हमारी बाज़ार में, आपने ये डैडी के साथ मिल के आपकी दोस्ती अब्बा के साथ और आपने जो इनिशिएटिव लिया है ये बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। और एक देखें ना पूरी गैदरिंग बन गई है, खेल भी है, कारोबार भी है, ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। KWGA बहुत अच्छा इवेंट कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि जो बेस्ट खेले और अल्लाह ताला सबको कामयाबी दे और हमारे ये दोस्त भी सब खेल रहे हैं, अल्लाह ताला इस इवेंट के ज़रिए लोगों के दिल भी मिलाए और आपस में लोगों को करीब भी करें और इस इवेंट को कामयाब करें। रोहित भाई सबसे अच्छा तो इवेंट माशाल्लाह बहुत अच्छा है हमारा और दूसरा ये है कि हमारे मार्केट का टूर्नामेंट है तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा और उम्मीद है कि इससे और अच्छा हम करेंगे और सब मिल के करेंगे तो इंशाल्लाह बात ही अलग है और रोहित भाई है हमारी रौनक ही अलग है। पिछले साल भी हमने खेला था इसमें, काफ़ी अच्छा था तो उम्मीद है इस बार और अच्छा होगा। तो बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है इंशाल्लाह सब अपने फेयरवेल के, पिछले में हम आए नहीं थे जी, इंशाल्लाह इस बार आएंगे, कोशिश करेंगे। नहीं माशाल्लाह पिछले साल भी बहुत अच्छा हुआ था टूर्नामेंट, इस साल भी उम्मीद है इंशाल्लाह जिस तरह का भी इस तरह ये इवेंट हुआ इससे भी बेहतर, उम्मीद है इंशाल्लाह बेहतर होगा। बस इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि ये टूर्नामेंट भी पिछली दफ़ा के हिसाब से कामयाब ज़्यादा जाए। माशाल्लाह आपकी इतनी मेहनत है, इतनी कावशें हैं, आप दिल से सबको दावत देते हैं,
अल्लाह आपको कामयाब करे और इवेंट को बहुत अच्छा जाए। ये देखना चाहे तो बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक मिलने का ज्वाइंट फैमिली मेंबर हो जाता है और ये बहुत अच्छा है। ये हर साल होना चाहिए ताकि इसमें हम आगे बढ़ सकें, आपस अंडरस्टैंडिंग बढ़े, बिजनेस के रिलेशनशिप बढ़ेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर शिरकत करेंगे, लास्ट टाइम भी इंशाल्लाह इस साल भी करेंगे इंशाल्लाह, और ऐसा होने चाहिए। बिल्कुल ये एक हेल्दी कंपटीशन है और ये होना चाहिए, और हम लोग लास्ट टाइम भी ओपनिंग में आए थे और इंशाल्लाह इस दफा भी अटेंड किया है और रऊ भाई की मोहब्बत है सब। मैं मेमन टीवी का भी शुक्रिया करता हूँ कि पिछले साल भी वो हमारे साथ थे और इस साल भी हमारे साथ हैं। अल्लाह पाक हमें कायम दायम रखे। रऊ भाई, ये तो एक ऐसी बात आपने करी है कि जो इतने पिछले 35-40 सालों में नहीं होती थी, और आपने सारे नौजवान टैलेंटेड लड़कों को क्रिकेटर खेलते हुए आपने एक जगह जमा करके एक साल के अंदर एक ऐसा फंक्शन बना दिया है, या ऐसा एक वो बना दिया है कि पूरी फैमिली एक दूसरे से मिलती हैं। ये एक टूर्नामेंट नहीं है लेकिन एक गेट टुगेदर फैमिलियों का हो गया है, और जितनी इसमें तरक्की होती जा रही है, जैसे पहला टूर्नामेंट था उसके मुकाबले में ये नया टूर्नामेंट जो है ये बहुत आगे निकल गया है। माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट है और इसके अंदर जो हमारी यंग जनरेशन है वो आपस में मिलती है और बहुत अच्छा हमें मज़ा आता है, और बाकायदा फैमिली आती है हम लोगों के प्रोग्राम में, और फैमिलियाँ भी एक दूसरे से मिलती है, तो माशाल्लाह सबके टर्म्स बढ़ते हैं आपस में एक दूसरे से, और बहुत अच्छा इवेंट होता है ये माशाल्लाह। पिछली दफ़ा भी टूर्नामेंट हुआ था, उसमें मैं तो नहीं था, उमरे पे गया हुआ था, लेकिन पीछे पता चला कि आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का इवेंट इंजॉय किया था, फैमिली गाला किया था और सारी फैमिलीज आई थी, तो मैंने तो मिस किया था। इस दफ़ा मेरी कोशिश है कि मैं इंशाल्लाह ये वाला इवेंट देखें। ये मिस करेंगे तो इस पर पेनल्टी भी होगी, ताला लगा दूंगा। नहीं नहीं इंशाल्लाह इस दफ़ा यही है इंशाल्लाह। ओके ओके, अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल कामयाबी होगा। सबसे बड़ी बात ये के डब्ल्यू जी ए का जो है ना टूर्नामेंट है, ये कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कामयाब ना जाए। रऊ भाई ये कामयाब जाएगा और अल्लाह ने चाह तो बहुत अच्छा कामयाब जाएगा, और दुनिया देखेगी और लोग फिर जो है ना इसी तरफ जो है ना हमारे को हमारे हिसाब से जैसे हम चले हैं, ऐसे दूसरे भी जो है ना मार्केट के एसोसिएशन है, इंटरनेशनल एसोसिएशन है, और ये जो है ना इस तरह के टूर्नामेंट कराएंगे। ये बहुत अच्छा इकदाम है जो हमारे के डब्ल्यू जी ए ने उठाया है। बिल्कुल मैं चाहूँगा कि सारे हमारी फैमिलीज़ भी आएँ और जो जितने भी हमारे दोस्त हैं के डब्ल्यू जी ए के वो सब आएँ, शिरकत करें, अपने घर वालों को भी लाएँ, और अल्लाह ने चाहा तो अच्छा टूर्नामेंट होगा और सब इंजॉय करेंगे। सबसे पहले तो मैं रऊ भाई आपको मुबारकबाद दूंगा कि ये सेकेंड इवेंट हो रहा है आपका दूसरे साल मुसलसल, और दूसरे साल इवेंट होने की निशानी इस बात की होती है कि पहले साल के इवेंट बहुत अच्छा होता है तो जब भी दूसरे साल का होता है, तो माशाल्लाह इस साल के अरेंजमेंट पिछले साल से ज़्यादा अच्छे हैं, और मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि फैमिली के साथ ज़रूर आएँ और इस मैच को एंजॉय करें, इस प्रोग्राम को एंजॉय करें, क्योंकि जो भी रऊ भाई का प्रोग्राम होते हैं वो यादगार होते हैं। ये बहुत ही अच्छी काविश है रऊ भाई की और इनके साथ पूरी टीम की, जो ये इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल और हर साल उसको और पॉलिश करते जा रहे हैं। इस इवेंट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम सारे एक टीम हैं, एक फैमिली हैं, तो दाल की इंडस्ट्री और कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन की जो फैमिली है वो सब एक साथ मिलके ये गेम खेलती है। ज़बरदस्त होगा इंशाल्लाह, सारी टीमें बहुत तगड़ी हैं और हमारी भी टीम तगड़ी है, तो इंशाल्लाह हम चाहेंगे हम जीतें, हर कोई चाहेगा अपनी टीम जीतेगी इंशाल्लाह। अच्छा टूर्नामेंट होगा जो लास्ट अच्छा हुआ था इंशाल्लाह, उम्मीद करते हैं। फैमिलीज के साथ आएँ जैसे आप आते हैं? हमेशा फैमिली के साथ आते हैं, इस दफ़ा भी फैमिली के साथ आएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह देखें के डब्ल्यू जी ए की लीग है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके दिल बड़े हैं, हमारे बजट बड़े हैं, हमारे चेयरमैन साहब ने हमें खुला पैसा दिया है, बोला आप हमारे इवेंट को कामयाब करो, खिलाओ, हमारी फैमिलीज में बांटो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें बहुत आगे इवेंट में आप देखेंगे कि दिल खोल के इंशाल्लाह फैमिलीज को एंटरटेन करेंगे। थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और बहुत ही अच्छा इवेंट है, और दुआएँ यही हैं कि कामयाब हो जैसे लास्ट टाइम हुआ था, बहुत अच्छा है फैमिलीज़ के लिए भी। नहीं पिछले साल भी टूर्नामेंट बहुत प्यारा हुआ, बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, सबने बहुत पार्टिसिपेट किया इसमें, पार्टिसिपेट भी सबने किया, और इस साल भी इंशाल्लाह सीज़न टू में भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ट्रॉफी हम भी उठाएंगे। पिछले में हम नहीं थी, हमारी टीम नहीं थी, अब इस साल हमारी भी टीम है तो फिर विनर तो हम ही हैं, और रऊ भाई हमें जानते हैं अच्छे से, तो इंशाल्लाह ये टीम तो अभी ये देखें साथ चलने की बात ही नहीं है। रऊ भाई को डिग्रेड कर दिया, रऊ भाई को कभी भी डिग्रेड नहीं करता, हमारे बाप ने हमें बोला था। देखें आप समझें,
हकीकत पसंद हूँ और मैं यही कहूँगा कि थप्पड़ लगना चाहिए।